कोई रियल बायर तो है, रियल तो बार सही तो इतने सारे पूरे भरा पड़ा है ऊपर हॉल बड़ा तो। बड़ा तो बायर्स है, तो हाँ सही रेट नहीं मिला हमको। अच्छा, सही रेट मतलब क्या, कौन सा रेट था जो आपको नहीं मिला? ना तो इंदिरा गांधी कॉइन्स था। इंदिरा गांधी कॉइन्स में कितना कितना रेट होता है उसका? क्या नाम है आपका? संगीता। हाँ, अहमदाबाद से है, गुजरात हाँ, से? अहमदाबाद से हूँ। क्या कलेक्शन करते हैं आप? कलेक्शन तो अभी जो है हमारे दादा का जमा है, वही है हमारे पास। अच्छा, ये कॉइन बेचा खरीदा? अच्छा, कॉइन बेचे भी आपने? हाँ, बेचे भी और खरीदे भी। कौन से बेचे, क्या दाम में बेचे, बताइए जरा। नमस्कार दोस्तों, कॉइन स्टार्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम हैं अहमदाबाद कॉइन्स एंड करेंसी फेयर में। यहाँ ये अहमदाबाद का और गुजरात का सबसे बड़ा कॉइन एग्जीबिशन है। आइए तो देखते हैं इस एग्जीबिशन में यहाँ पर क्या लगा है, किस तरह के सिक्के लगे हैं और कौन से सिक्के बिकते हैं, कौन से सिक्के नहीं बिकते हैं, और यहाँ जो लोग बेचने आए हैं, जो खरीदने आए हैं, उनका अनुभव यहाँ पर कैसा रहा। आइए तो चलते हैं कॉइन एग्जीबिशन के अंदर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आर्थर। आर्थर, आर्थर। अच्छा, कहाँ से आए आप? हम गोवा से आए हैं। गोवा से? गोवा से अहमदाबाद सिक्कों के लिए? तो क्या सिक्का बेचते हैं, खरीदते हैं? सिक्का बेचने के लिए आए थे। अच्छा, कोई रियल बायर तो है, तो रियल बायर तो इतने सारे पूरे भरा पड़ा है ऊपर हॉल तो। बड़ा पड़ा तो बायर्स है, तो सही रेट नहीं मिला हमको। अच्छा, सही रेट मतलब क्या, कौन सा रेट था जो आपको नहीं मिला? ना तो इंदिरा गांधी कॉइन्स था। इंदिरा गांधी कॉइन्स में कितना कितना रेट होता है उसका? इसका तो वही 20 रुपये 50 रुपये बोलते हैं। तो आपको आपको कितना चाहिए था? हमको तो 1 लाख रुपया चाहिए। 1 लाख रुपये चाहिए था, लेकिन यहाँ अगर कोई 20 रुपये में बेचता है तो आपको 1 लाख कोई देगा क्या? नहीं, कोई नहीं देगा। तो मतलब कि वो सही दाम है कि गलत दाम है? तो गलत दाम भी हो सकता है। गलत दाम ही है, अगर आप 1 लाख में बेच सकते हैं तो हम 1 लाख में नहीं बेचेंगे, हम क्यों आपको 20 रुपये में देंगे? अच्छा, मतलब कि वो 1 लाख रुपये दाम कभी होता नहीं है। ठीक है, लोग उसमें गलत करते हैं, स्कैम करते हैं वो। तो यहाँ और कुछ खरीदा आपने? खरीदता नहीं है अभी तक। अच्छा, कल तक है, हम ऐसा देखेंगे कुछ स्पेशल कुछ मिलेगा तो खरीदेंगे। अच्छा हाँ, लेकिन एक बार ध्यान रखिए, जो YouTube में दिखाते हैं ना कि लाखों रुपए आते हैं, वो तो वो सब फ्रॉड होता है, स्कैम होता है वो तो सब फ्रॉड है। सब लोग पैसा पूछते हैं बाद में, बस एक के ऊपर एक पैसा पूछते रहते हैं। यहाँ आपने किसी ने पैसा मांगा? नहीं नहीं, इधर तो कोई कुछ पैसा नहीं मांगा। यहाँ आपको कुछ चार्जेस देना पड़ा कि एंट्री फ्री है? पूरा एंट्री फ्री, पूरा फ्री है। हम कोलकाता भी गए थे। अच्छा, कोलकाता एग्जीबिशन भी गए थे हम, उधर सब कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई सब फ्री है उधर। ऐसा तो मतलब ध्यान रखिए कि कॉइन बेचने के लिए कभी भी पैसे देने नहीं पड़ते हैं। बेचने के लिए फ्री है, आप कॉइन दिखाइए, पैसा लीजिए और घर जाइए। कोई भी किसी भी प्रकार का लोगों को पैसा मत दीजिए आप। नहीं, हम तो कोई भी फॉर्म चार्जेस नहीं, आरबीआई चार्जेस नहीं, कुछ भी चार्जेस नहीं। बहुत हम इसमें यूट्यूब में सब देखा था, मतलब सब पैसा पूछते हैं, बाद में बोलते हैं आरबीआई का लेटर बनाना है, वो बनाना, और क्या लाइसेंस बनाना है, वो करना, ये करना है, बोल के ये करते हैं, फ्रॉड करते हैं, बाद में पैसा वापस। वो सब फ्रॉड है, उनमें मत पड़ेगा। आपको आपका पैसा जाएगा, लेकिन आपको पैसा कोई देगा नहीं। अच्छा, हाँ नहीं देगा, वापस नहीं करेगा। क्या नाम है मेरा आपका? नाम धनेश्वर त्रिवेदी, राजस्थान डूंगरपुर से। अच्छा, क्या कलेक्ट करते हैं आप? मैं सिक्कों का कलेक्शन करता हूँ, रिपब्लिक के। अच्छा, और नॉर्थ का भी कुछ कुछ, एक दो पाँच दस के बंडल वगैरह कलेक्शन करता हूँ। ये लगभग मेरे 2-3 साल की कर रहा हूँ, मेरे को इसमें अच्छा लग रहा है। आपकी कॉइन वाली मैंने जो किताब ली है, उससे मेरे को बहुत कुछ माहिती और अच्छी मिली, और उसी के ऊपर से मैंने कलेक्शन और ज़्यादा तरीके से चालू किया है, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें बहुत जानकारी अच्छी तरह से दी हुई है, और जानकारी के अवेलेबल से बहुत से सिक्के में आसानी हो जाती है। जैसे कि कोई सिक्का है तो क्या नंबर, अपन किस तरीके से इसको देख सकते हैं, कौन सा रेयर है, कौन सा किस हिसाब से। इसमें आपके 10 के सिक्के की आपने जो दी थी उसकी 2004 वाले क्रॉस कॉइन की, उसकी माहिती मेरे को पहले नहीं थी। अच्छा, नोएडा की थी। हाँ, तो उसमें मेरे को जानकारी मिली। मैं अच्छा, हर वीडियो आपके लगभग देखता ही हूँ, जहाँ तक हो सकता है शायद ही कोई वीडियो ऐसा होगा जो छूट जाता है। बाकी तो वो 10 का 2004 का मिला? 2004 का 4 का नहीं मिला है, वो 5 का है मेरे, 5, 6, 7 का सब मिल जाता है, लेकिन 2004 अच्छा, का 4 का अभी तक नहीं मिला है। उसके बाद 2009 का जो
15 किला क्रॉस लाइन वाला जो बीच में होता है वो भी अभी तक मेरे को नहीं मिला है। बाकी तो थोड़े थोड़े कलेक्शन कर रहा हूँ, अभी मैंने ज़्यादा करके कोई खरीदी किया हुआ नहीं है, टोटल कहना मतलब कलेक्शन से ही इकट्ठा किया है। तो यहाँ अहमदाबाद में क्या क्या खरीदने के लिए आए हैं? अहमदाबाद में तो यही थोड़ा बहुत माल था, यहाँ तो काउंटर लेने का हिसाब में था लेकिन काउंटर मिला नहीं, यही बाहर से कुछ काम कर रहे हैं। तो कुछ काम हुआ, कुछ अच्छे सिक्के बेचे? काम सिक्के तो बेचे तो नहीं है, मैंने सिक्के लिए हैं दो तीन। एक तो एयरफोर्स का लिया है और एक सिक्का और लिया है, कुछ नोटों का कलेक्शन है जैसे 20 की है, 100 की है, स्टार नोट है, उस टाइप की थोड़ी थोड़ी खरीदी करके काम चला रहे हैं हम लोग। अच्छा, चलिए, अच्छा लगता है कि हाँ और काम होगा आपका। हाँ जरूर, अभी एक आपकी और मेरे किताब मैंने आपकी वीडियो में देखी थी, जो नोएडा में इनके हिसाब से बनाई शायद आपने, वो किताब अभी मेरे को मिली नहीं है, शायद यहाँ किसी पास अवेलेबल है कि नहीं, मैंने देखा नहीं। तीनों किताब आई हैं, बॉम्बे मिंट है, मुंबई मिंट है, नोएडा मिंट है और हैदराबाद मिंट है। पहले वाली जो बड़ी वाली थी वो थी, अभी मेरे वो नोएडा मिंट वाली मैंने देखी थी कि आपकी उसके अंदर नोएडा मिंट के पूरे जानते हैं। एग्जीबिशन में काफी लोग बैठे हैं, उनको इंक्वायरी कर लीजिए, वहाँ शायद आपको मिल जाएगा। चलो ठीक है, चलो थैंक यू सर। क्या थी आप जो गोधराती, क्या कलेक्शन करते हैं आप? कॉइन। कॉइन्स में क्या लेते हैं, बेचते हैं या सिर्फ खरीदते हैं? दोनों। हाँ। कौन से सिक्कों करते हैं? रिपब्लिक के सिक्के? सब। तो यहाँ क्या काम किया आपने? ये कॉइन बेचा खरीदा। अच्छा, कॉइन बेचे भी आपने? हाँ, बेचे भी और खरीदे भी। कौन से बेचे, क्या दाम में बेचे बताइए जरा। ये तो लोकल कॉइन बेचे। अच्छा, रेयर कॉइन थे भी नहीं और मिले भी नहीं। चलो काम हुआ ना, लेकिन पैसा मिला? हुआ। तो यहाँ एंट्री क्या फ्री में है या आपको आने जाने के पैसे देने पड़ते हैं? नहीं, सब फ्री है। और यहाँ बेचने के लिए आए आप तो क्या आपको कोई चार्ज देना पड़ा? नहीं, कुछ भी। रजिस्ट्रेशन चार्ज, फॉर्म चार्ज? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं, ऐसा कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है? नहीं, कुछ भी नहीं है, सब फ्री है। बहुत अच्छा, चलिए बढ़िया, थैंक यू। आप बताइए कहाँ से हैं आप? मैं अजमेर से, राजस्थान। राजस्थान से? हाँ सर। क्या क्या कलेक्शन करते हैं, बेचते हैं, क्या करते हैं आप? सर मेरा काम एंटिक का है, एंटिक में कोई सा भी आइटम होता है मैं कलेक्ट करता हूँ पेपर में, और जो भी मेरे को अच्छा दिख जाता है वो ले लेता हूँ। ऐसा? हाँ जी। बेचते भी हैं? हाँ सर, बेचते क्या, भी आज क्या बेचा आपने? मैंने सर ये टोकन वगैरह बेचे हैं, टोकन और मेडल वगैरह ले लेता हूँ। अच्छा, कौन से टोकन थे? टोकन ये है ना, ये अपने ये ईस्ट इंडिया के थे दो, और तीन राम दरबार के टोकन आते हैं? नहीं जी, राम दरबार के तो वो ऐसी बहुत से पड़े हैं मेरे पास, वो है ना कि माला वगैरह ऐसी पड़ी है, अच्छी है, लेकिन वो है ना कि उनके दाम नहीं मिलते ऐसे, नहीं मिलते वो उनपे, है ना कुंदे, नहीं लाखों रुपए के नहीं होते ऐसा। हाँ जी। चलो, और अच्छा लगता है, और काम होगा आपका? नहीं जी, जब भी जाता हूँ मैं, कहीं भी जाता हूँ, अच्छा होता काम। अच्छा, वाह वाह, चलो बहुत अच्छा है। मैं कलेक्ट ही ऐसे करता हूँ जो है ना कि मेरे को है ना कि ऐसी चीजें का तो मेरे को है ना कि दाम सही मिल जाता है। अच्छा, मैं राजस्थान से हूँ सर। क्या नाम है आपका? मेरा चंदनमल मालिक। क्या करते हैं आप? मैं सर, मेरा मूल बिजनेस तो सोने चांदी का है। ऐसा? लेकिन साइड बिजनेस ये करता हूँ। अच्छा, और काफ़ी साल से करता हूँ, करीबन 10-15 साल हो गए। ऐसा? हाँ जी। तो यहाँ क्या काम, बेचने के लिए आए हैं कुछ? बस खरीद भी लेते, बेच भी लेते, दोनों काम करते। क्या खरीदा आपने? मैंने कुछ 1 रुपये की गड्डियाँ खरीदी है, 5 रुपये की गड्डियाँ खरीदी है। ऐसा? और सामने 10 रुपये की गड्डियाँ बेची भी है। 1 रुपये की गड्डी कौन सी बेची आपने, क्या दाम में बेची? मैंने 1 रुपये की गड्डी बेची सर 2000 में। 2000 में? हाँ जी। कौन से साल की थी वो? 1985 की थी। अच्छा। हाँ जी। और जो आपने खरीदी वो कौन से बेची? खरीदी मैंने 2015 की खरीदी है। ऐसा? वो 1300 रुपये में खरीदी है। अच्छा। हाँ जी। और यहाँ कुछ सिक्के भी लाए हैं बेचने के लिए? सिक्का लाए हूँ सर, मेरे पास 1500-2000 सिक्के साथ में है, लेकिन सिक्के बिकते नहीं है। बिकते तो है, लेकिन क्या कर, जब लेने को जाते तब तो ठहराना बताते, रुपया बताते, वो देने को जाते तो 10 पैसा बताते, मतलब भाव का कंपेरिजन नहीं बैठता है। लेकिन उसमें रीजन क्या है उसमें? बस रीजन तो वो तो लेने देने के कंडीशन वगैरह सब वेल डेट है, लेकिन आप वही कंडीशन में सिक्का अगर स्टॉल पर लेने को जाओगे तो आपको 500 का मिलेगा। अच्छा। और हमारा सिक्का होगा वो 50 रुपये में मांगेंगे, ये काफ़ी वाइब्रेशन आ रहा है। इतना फर्क क्यों होता है? फर्क क्यों होता है वो तो अभी कारण तो होगा ना, ऐसे तो कारण तो वो तो वजह आप जान सकते हो सर। अच्छा, हम तो कैसे बता सकते हैं कि इसका क्या कारण है? ऐसा? हाँ जी, वो आप ज़्यादा जानकार हो, हम तो इसलिए जानकार है नहीं इसमें, मतलब ये सबसे बड़ी समस्या है।
अच्छा जी, मतलब क्या भाव सिमिलर मिलना चाहिए, कहते चलो लेन देन के अंदर रुपए का आना होना चाहिए, लेकिन जब बेचने को जाते तो 10 पैसा मिलता है, लेने को जाते तो रुपया लगता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। ऐसा हाँ, और इसमें मतलब क्या पब्लिक को नुकसान भी कहीं कहीं जगह उठाना पड़ता है, दोनों चीजें है सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? संगीता। हाँ, अहमदाबाद से है? गुजरात। हाँ, अहमदाबाद से। क्या कलेक्शन करते हैं आप? कलेक्शन तो अभी जो है हमारे दादा का जमा है वही है हमारे पास। अच्छा, तो यहाँ बेचने के लिए आए थे कुछ आप? यहाँ अभी तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए, क्योंकि इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो एग्जीबिशन से कुछ पता चले। अच्छा, तो आगे इसके आगे हम लोग कुछ और स्टेप्स ले सके इसके। अच्छा, बारे में तो कुछ काम होगा आपका लगता है? हाँ, आपसे ही तो अभी नॉलेज जो मिला है, देखते हैं अभी आगे। तो थोड़ा सीखिए, सीखने से पता चलेगा तो पैसा कमा पाएंगे। हाँ, हाँ। सीखे बगैर आप कोई बिजनेस नहीं कर पाएंगे, कभी पैसा भी नहीं कमा पाएंगे। हाँ, देखते हैं, थोड़ा सीखिए तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। थैंक यू सर। चल, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, यहाँ यह होटल प्रेसिडेंट का यह एग्जीबिशन लगा है, जो 3 दिन है, 18, 19, 20 ये तो चलते हैं यहाँ पर पहले स्टॉल के अंदर, कि यहाँ किस तरह के स्टॉल्स लगे हैं और यहाँ कौन से कॉइन्स डिस्प्ले में भी हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। रुकिए रुकिए, देखा हूँ। अच्छा दोस्तों, यहाँ हमारे कई सारे सब्सक्राइबर्स भी मिलते हैं, कई सारे कॉइन कलेक्टर्स भी हैं, कई डीलर्स भी हैं, सबके यहाँ स्टॉल्स लगे हैं और यहाँ सब अपने कॉइन्स लेते भी हैं, बेचते भी हैं और काफ़ी अच्छा बिजनेस भी करते हैं। तो देखिए कितनी भीड़ लगी है यहाँ पर। जहाँ तक नजर जाती है सब जगह लोग ही हैं, कोई कॉइन खरीद रहा है, कोई कॉइन बेच रहा है, कोई कॉइन देख रहा है। छोटे बड़े, स्त्री पुरुष बच्चे, सभी लोग यहाँ अपने सिक्के देखने के लिए, बेचने के लिए और खरीदने के लिए आए। अगर आपके पास दोस्तों अगर असली सिक्के हों, गैर सिक्के हों, महंगे सिक्के हों, तो आपके सिक्के यहाँ बिक सकते हैं और अच्छे दामों में बिक सकते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि अगर आपके पास कुछ ऐसे सिक्के हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं कि लाखों रुपए के हैं, तो वो लाखों रुपए के सिक्के हैं कि नहीं, उसकी जानकारी आपको यहाँ सही मिलेगी। अगर कोई कहता है कि माता वैष्णो देवी के सिक्के आपको 1 लाख रुपए के मिलेंगे, तो वो मत लीजिएगा, क्योंकि वो सिक्के यहाँ आपको 25 रुपए में मिल जाएंगे। अगर कोई कहे कि इंदिरा गांधी के सिक्के के वो आपको 10 लाख रुपए देने वाला है, तो वो भी एक फ्रॉड है, इस तरह के सिक्के कभी बिकते नहीं हैं। और अगर इस तरह के 5 रुपए के इंदिरा गांधी के सिक्के आप खरीदना चाहें, तो सिक्के यहाँ पर आप 50 रुपए में एक सिक्का खरीद सकते हैं। तो ये सारी जानकारी, सही जानकारी आपको यहाँ पर इसी कॉइन एग्जीबिशन से मिलेगी। और यह सारी जानकारी आपको सिर्फ जो सही जानकारी है, सच्ची जानकारी है, सही नज़र है, सच्ची खबर है, ये सारी आपको सिर्फ यहाँ पर कॉइन स्टार्स में ही मिलेगी। थैंक यू दोस्तों। आइए अब चलते हैं, बात करते हैं, यहाँ हमारे कई सारे सब्सक्राइबर्स आए हैं, उनसे मिलेंगे और उनका अनुभव यहाँ कैसा रहा उसकी हम बात करेंगे। चलिए। हाय सर। क्या भाई, कहाँ अहमदाबाद में कब आए आप? अहमदाबाद एग्जीबिशन में आए हैं, वी आर हियर फॉर द लास्ट 2 डेज। अच्छा, फ्राइडे सैटरडे दोनों, मैं और आकाश जी दोनों साथ में ही हैं। हाय आकाश, कैसे हैं? मैं बढ़िया सर, आप बताएं, आप कैसे? बढ़िया, बहुत अच्छे जी। बस बढ़िया सर, अहमदाबाद बहुत अच्छा हुआ सर, जलेबी फाफड़ा भी बहुत अच्छा मिला यहाँ पे। ऐसा ऐसा मत बोलिए, भूख लग जाएगी। मैंने सर खाया नहीं, शाम में फिर खाएंगे। आज सुबह नहीं खाया, कल खाया था, आज शाम में फिर खाया। ठीक है। और यहाँ बिजनेस का बताइए सर। बिजनेस बहुत बढ़िया रहा सर, आपकी कृपा है सर, जो आपके फेवरेट कॉइन है वो सब हमारे पास आ रहे हैं। अरे बहन नहीं, उसके आप ले जा रहे हैं सारे, इसलिए। और वो भी आपसे भी अच्छी कंडीशन में आ रहे हैं सर। बहुत अच्छा, आप पैसे कमाइए, जरूरी है, लोगों को अच्छा दाम दीजिए, बिल्कुल को अच्छा दाम मिलेगा, आपका भी अच्छा काम होगा, सबको पैसा मिलेगा, सब खुश रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। चलो, थैंक यू, बाय बाय। नश्यन्तु शिवा क्या ओम मत्स्य श्री आसन मंत्रस्य मेरु पृष्ठ
सूतल संधा गुरु महादेवता आसन पवित्र करणार्थे विनियोगा मई द्यो प्रतिजनुष्ठामिष्टान भरिवी ओम मुर्वास्वा पृथ्वी आगच्छा या तिष्ठा यावत् पूजां करिष्यामि तावत् तं संधा भवा ओम नं गणपते नमः समगस्य एकतं तस्य कपिलोकधिकरणकः लंबोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यालम्बे विवाहे च प्रवेशे मृगमेधा संग्रामे संगते चैवाभिघ्न तत्सर जायते शुक्लाम्बरदिनं देवं सजीवरणं प्रसन्नवदनं ध्यायेतां सर्वविघ्नोपशान्ते अभीष्टात् सिद्ध्यर्थे पूजितो यशुरासने सर्वविघ्नहरे तस्मै गणाधिपते नमः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो द्रोणेन्द्र तत्र श्री विजयभूते ध्रुवा नित्यनिर्मला सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते गौरी गणेशाभ्याम नमः उमामहेश्वराभ्याम नमः लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः वाणी नगरवाभ्याम नमः सजी पुरंदराभ्याम नमः मातृ पितृ चरण कमले भ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धिमति सहिताय श्रीमन्महांगणाधिपते नमः द्वार पूजनं नित्यम् अहं तुभ्यम् आयामि स्थापयामि पूजयामि अहं तुभ्यम् आयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ स्वस्ति न इन्द्र बृहस्पतिः स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति न दारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शं क्षेत्रपाल भैरवाय नमः ॐ दीपं ज्योति परब्रह्म दीपं ज्योति जानः दीपं भक्त मे पापं दीप ज्योति नमोस्तुते अहमदाबाद कॉइन्स एंड करेंसी शहर के 15वें इनोग्रेशन फंक्शन में आए हुए सभी का स्वागत है और सभी का खूब खूब आभार। आज के हमारे मुख्य अतिथि जो है श्री अशोक सिंह जी ठाकुर, ये मेंबर ऑफ गवर्निंग काउंसिल इंटा के दिल्ली के मेंबर हैं और एडिशनल बोर्ड एडिटोरियल बोर्ड गैजेट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसके भी मेंबर हैं, मेंबर ऑफ ये फोर्थ कंजर्वेशन कमेटी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इसके भी बोर्ड के मेंबर है ये। और श्री दिलीप जी भलसेकर एग्जीक्यूटिव एडिटर एंड सेक्रेटरी गैजेटेड डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के मंत्री है और ऑफिसर है। बाकी यहाँ जितने भी सब लोग आए हैं सभी का बहुत बहुत आभार और भगवान से प्रार्थना है कि सभी का अच्छा बिजनेस हो और सभी खूब आनंद से सबका समय अच्छा पसार हो, सब अच्छा बिजनेस करें। सबसे ज्यादा मैं श्री अशोक सिंह जी का आभार मानता हूँ और दिलीप जी का आभार मानता हूँ कि उन्होंने समय निकाल कर यह आया और इस कार्यक्रम की शुरुआत कराई है। श्री अश्विनी पंडित जी, श्री अश्विनी पंडित जी सेमो जिन्होंने इतने बढ़िया मंत्रोच्चार किए हैं जिससे पूरा वातावरण पवित्र हो गया है, तो इनका विशेष तौर पर खूब खूब आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शत्रुघ्न जी, आप इतने सालों से बहुत ही अच्छा ये ग्रैंड एग्जीबिशन कर रहे हैं और ऑल इंडिया लेवल पे जो दो या तीन बहुत बड़े एग्जीबिशन है उनमें आपके एग्जीबिशन की यहाँ गणना होती है और यहाँ आने के लिए सारे इंडिया से, चाहे दिल्ली हो या कन्याकुमारी हो या मुंबई हो या कलकत्ता हो या नॉर्थ ईस्ट, सब लोग यहाँ आते हैं और सबको यह आशा होती है कि यहाँ बहुत अच्छा काम होगा, अच्छा बिजनेस होगा, अच्छे कॉइन्स खरीद पाएंगे और अच्छे कॉइन्स बेच भी पाएंगे। तो थैंक यू और शत्रुघ्न जी, ऐसा काम आप आगे भी करते रहिए और हमारा कुछ भी सहयोग रहेगा हम आपके लिए सदैव तैयार हैं। थैंक यू, धन्यवाद शत्रुघ्न जी इस अवसर पे हमको बुलाया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिक्कों के जरिए, मतलब गैजेटियर में भी सिक्कों का हम लोग परिचय देना चाह रहे हैं। तो महाराष्ट्र की जितने भी 36 डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर निकलेंगे अभी उसमें हम सिक्कों की जानकारी जरूर देंगे, एक नया काम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो इस अवसर पे हमको जो बुलाया गया है उसमें मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैं एक सेक्रेटरी तो बाद में हूँ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, लेकिन पहले मैं इन्वेस्टमेंट हूँ। 1985 to 2007 मैं 23 साल इस क्षेत्र में काम कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ। तो आप सब लोगों को जब मैं मिलता हूँ तो बहुत खुशी होती है कि मतलब सिक्के देखने के लिए मौका जो मिलता है वो आप लोगों की वजह से मिलता है। तो शत्रुघ्न जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस अवसर पर हमको बुलाया है। थैंक यू सो मच। स्पेशली ये सबको पर्सनल फोन कर करके इतनी अटैचमेंट से बुलाते हैं
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान करे ये ऐसे ही एग्जीबिशन आगे करते रहें और हम आगे। थैंक यू मैडम जी। अब मैं गुजारिश करूंगा श्री अशोक जी ठाकुर जी से कि वो यहाँ के चीफ गेस्ट हैं और दो शब्द कहेंगे और आशीर्वाद दें सबको। धन्यवाद शत्रुघ्न जी। सबसे पहले कि मैं मुख्य अतिथि नहीं हूँ, मैं आप लोगों में से हूँ। और सबसे पहले तो ये घोषित करता हूँ कि इस प्रदर्शनी का उद्घाटन आज विधिवत हुआ। इस अवसर पे हमारे महाराष्ट्र के सचिव आदरणीय श्री डॉक्टर दिलीप बलसेकर जी भी यहाँ पर उपस्थित है, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। वो गर्व की बात इसीलिए है कि वो सचिव हम उनको बाद में मानते हैं कि वो गवर्नमेंट का अधिकारी है सचिव, लेकिन हम उसके पहले बहुत अच्छा एक मुद्रा शास्त्री के रूप में जानते हैं। उनकी काफी बुक्स हैं, उन्होंने नहीं बताया लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अभी मराठा के बारे में, मराठा क्वाइन के बारे में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का बहुत सुंदर काफी टेबल उनके द्वारा भी बहुत जल्दी रिलीज होगा। खासकर मैं शत्रुघ्न जी का आभार व्यक्त इसलिए करता हूँ कि उनके कारण मुझे यहाँ आने का मौका मिला। आप सभी मुद्रा प्रेमी मुद्रा शास्त्रियों का मैं दिल से आभार और अभिनंदन और शुभकामना देते हुए अपने शब्दों को यही विराम देना। और एक विशेष बात है कि हमारे महाराष्ट्र के हम सभी के दैवत आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज की स्वर्ण की जो मुद्राएं 350 साल की निकलने वाली है, उसको भी डिजाइन हमारे डॉक्टर दिलीप बलसेकर साहब ने किया है। बहुत ही जल्दी 350 होगा और ये पहला सिक्का होगा हिंदुस्तान का कॉमेमोरेटिव कि जिसमें चांदी के साथ में स्वर्ण का उपयोग किया जाएगा। इसलिए हो सकता है कि ये थोड़ा सा लेट हो, क्योंकि सोना निकाल के रिजर्व बैंक से मिंट को देना ये ऐसा पहली बार हुआ, तो इसमें काफी रूल रेगुलेशन भी चेंज हो रहा है, तो इसका भी श्रेय हम डॉक्टर बलसेकर को दे रहे हैं कि उन्होंने काफी प्रयास किया। फिर से एक बार शत्रुघ्न जी और उनके पूरे एंटायर फैमिली को ढेर सारी शुभकामना देता हूँ कि ये ऐसे निरंतर इसी टाइप के बहुत अच्छे अच्छे एग्जीबिशन उनके हाथ से हो रहे हैं। धन्यवाद।